गांधी सेतु के नए पुल पर हम आपको इस कार में राइड करवाने ले जा रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहिए। सामने देखिए, ये गांधी सेतु का पश्चिमी लेन है और उसका ये पाया नंबर 1 से हम अभी चल रहे हैं और आपको पाया नंबर 46 तक की यात्रा कराएंगे, गायघाट तक। बिल्कुल, तो तैयार हो गया है गांधी सेतु। चमचमाता हुआ ये पुल अब उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को डायरेक्ट जोड़ेगा। गांधी सेतु का ये पश्चिमी लेन है जिस पर तैयार होने के बाद हम फाइनल राइडिंग ले रहे हैं आपके लिए। आप हमारे साथ इस पुल पर इस पार से उस पार, अभी हम उत्तरी छोर यानी हाजीपुर की तरफ से इस पर एंट्री लिए हैं और दक्षिणी छोर यानी गायघाट की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार देखिए कितना ही खूबसूरत जेब्रा मार्किंग किया गया है दोनों तरफ, जो ये रेलिंग बनाई गई है उस पर। ये लगभग 5 नंबर पिलर तक जेब्रा मार्किंग हो गया है। बीच में जो 2 पिलर है, 7, 8 या शायद 9, यहां तक नहीं है। फिर देखिए 9वें से मास्किंग और जेब्रा मार्किंग का भी काम होता हुआ दिख रहा है, लगभग फाइनल स्टेज का काम। आप जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स में हम पढ़ भी रहे हैं अखबारों में, उसमें पता चला है कि लगभग 20 नंबर पिलर तक मास्किंग का काम, ऊपर जो एक कंक्रीट लगा हुआ पिचिंग देख रहे हैं आप, इसको कंप्लीट कर लिया गया है। वहीं उसके बाद मास्किंग का काम बचा हुआ है पुल पर, जो हम पिछले वीडियो में आपको दिखाए थे कि जो ज्वाइंटर है, जिसको जो 2 पिलरों के बीच में यानी 2 पायों के बीच में जो गैपिंग है, उसके लिए जो फिलर लगाया गया था, जहां देखिए गाड़ी जंप करता था, अब स्मूथली गाड़ी इस पार से उस पार जाता है, उसका काम उस समय में बचा हुआ था, उसको भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब सिर्फ बचा है तो मास्किंग करना और कलरिंग करना। देखिए जैसे आगे में ये 2 जो 1 पिलर दिख रहा है आपको, इस पिलर पर कलर करना बाकी है। इसमें भी एक तरफ से देखते हैं दाहिनी तरफ हो गया है, बाईं तरफ में बाकी है करना। तो इसी तरह लगभग 10 से 12 पिलर, लगभग 10 पिलर के आसपास जो है बचा है कलर करने के लिए ऊपर के लोहे के फ्रेम को। वहीं दोनों तरफ जो रेलिंग लगा है उसकी अगर बात करें तो उस पर प्राइमर देखते हैं लगभग, यहां से वहां जब हम दूसरी तरफ से भी जाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि किया हुआ है। फाइनल कलरिंग भी बहुत जगह कर लिया गया है। तो कुल मिलाकर अगर कहे तो गांधी सेतु अब तैयार है आपकी यात्रा करवाने के लिए लगभग। अगर हम गायघाट की तरफ की बात करें तो उस तरफ में भी जो फाइनल काम बचा था 2-3 पिलरों का, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। देख लीजिए किस तरह से ये जो निर्माण कार्य में लगा हुआ ट्रक है वो धड़धड़ाता हुआ गायघाट की तरफ से इधर बढ़ता हुआ आ रहा है। हम जहां पहुंचे हैं ये लगभग गंगा के किनारे, उस तरफ में देख लीजिए गंगा दिखने लगा मुझे। आगे बढ़ते हुए चलेंगे हम, जहां तक जा पाएंगे वहां तक का वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। देखिए ये गंगा की अविरल धारा नीचे से, बरसात में जिस तरह से जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में गांधी सेतु पर जाम की जो स्थिति है वह बढ़ते जा रही है, क्योंकि पीपा पुल नीचे से हट गया है। और ऐसे में पश्चिमी लेन की जो दरकार है, पश्चिमी लेन की जो जरूरत है, वो अब बहुत ही ज्यादा आन पड़ी है आम लोगों के लिए। तो हम आपको गांधी सेतु पर राइड करवा रहे हैं। दूसरे तरफ देखिए पटना दिख रहा है आपको खुली आंख से, कैमरे पर अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख पाएंगे। मौसम जिस तरह से मानसून ने दस्तक दे दिया है, ऐसे में जो बरसात के बीच में रंगाई का काम है या मास्किंग का काम है, इसको करने में थोड़ा सा बाधा हो रहा कंपनी को, जो जिसे कि बरसात के बीच में करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए नहीं तो अभी तक ये पुल तैयार हो गई होती। जैसा कि आप खबरों में पढ़ रहे थे, कई बार हम भी दिखाए थे आपको कि 15 जून से ये चालू हो जाएगा, लेकिन अब जो उम्मीद कर रहे हैं लोग 30 जून के आसपास में, जैसे ही इसका कोई डेट डिक्लेरेशन होगा हम आपके साथ जुड़ेंगे और उसका विस्तृत रिपोर्ट हम आपको बना करके देंगे। अभी लगातार हम गांधी सेतु पर इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, आपको राइड करवा करके दिखा रहे हैं कि पुल कैसा बना है। कई लोग वीडियो में कमेंट करके बता रहे थे कि जब फाइनल बन गया है तो एक बार आप हमको फाइनल राइड लेकर के दिखाइए। इस तरफ में देखिए गायघाट अब स्पष्ट दिख रहा है आपको, पिलर नंबर 37 है ये जहां हम पहुंचे हैं। 37 नंबर पिलर से गायघाट स्पष्ट दिख रहा है उस तरफ में, गंगा का दूसरा छोर, और हम उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए गायघाट की तरफ जा रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि बहुत जगह फाइनल स्टेज का काम हो गया। यहां भी देखिए जेब्रा लाइनिंग डाल दिया गया है ये दोनों तरफ के रेलिंग पर, प्राइमर हो गया है बहुत जगह पर, बहुत जगह फाइनल कलर हो गया है। बचा है तो इस पर मास्किंग करना बचा है, फिलर को कंप्लीट कर लिया गया है। दूसरा छोर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो गायघाट की तरफ आप निकलेंगे वहां तक का छोर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हम पहुंच गए हैं बजाते हाजीपुर की तरफ से दूसरी तरफ,
यानी गायघाट की तरफ गांधी सेतु पर आपको राइड करवाते हुए हमारे साथ आपकी इस कार में यानी स्विफ्ट डिजायर में आप बैठ करके गांधी सेतु के पश्चिमी लेन से हाजीपुर की तरफ से गायघाट पहुंच गए हैं आप। शानदार ब्रिज, शानदार पुल, हम आपको एक अलग वीडियो में पुराने गांधी सेतु और इस गांधी सेतु का डिफरेंस भी बताएंगे। देखिए ये गायघाट की तरफ आ गए और ये पुल हम यहाँ रुकेंगे एक और आपके लिए अलग से तस्वीरें रिकॉर्ड करेंगे। ये डिवाइडर, लास्ट डिवाइडर जो दो तीन दिन पहले पिचिंग हुई थी इसकी, ये पुल पूरी तरह से उधर से हम हाजीपुर की तरफ से राइड लेते हुए इस कार से अपने डिजायर से यहां तक पहुंचे हैं, आपको यात्रा भी करवाए हैं। और आपको पुल की अगर बात करें तो शानदार पिचिंग उधर से मास्किंग होता हुआ दिख रहा है, यहाँ जो फाइनल कंक्रीट होना है एक इंच का लगभग मास्किंग जिसको बोलते हैं वो इस तरफ में नहीं हुआ है, लगभग 30 पायों तक मास्किंग का काम कंप्लीट हो गया है, वहाँ तक रंगाई भी हो गई है ये ऊपर के फ्रेम का। चाचा कितना काम हुआ यहाँ, काम कितना कंप्लीट हुआ? अच्छा रबड़ और पेंटिंग बाकी है करने की, यही कर रहे, लगभग सारा काम कंप्लीट हो गया, रबड़ और पेंट का काम बाकी है। इस पर आप गए हैं कभी इस तरफ से उस तरफ? नहीं। कैसा रोड है? ठीक है, बिजोड़ है। बिजोड़ है, कहाँ घर हुआ आपका? छपरा घर। छपरा घर हुआ, बताइए कितना बड़ा, अगर ये पुल बनेगा तो तैयार हो जाएगा चलने लगेंगे तो कितना आराम होगा? बहुत आराम होगा, बहुत। देखिए किस तरह का खुशी है चेहरा, चाचा भी मुस्कुरा करके कह रहे हैं कि बहुत शानदार रोड बना है, बहुत ही बढ़िया पुल बना है, एक नंबर है। जो स्थिति अभी है इसमें चाहे तो इसको चालू किया जा सकता है, उसका गणित हम बताते हैं क्या गणित है, कि जैसे ये पुल अभी चालू होगा तो दूसरा लेन को तुरंत नहीं तोड़ा जा सकेगा क्योंकि बरसात हो रही है, इसमें काम होना नहीं है तो उसको फायदा नहीं है तोड़ने में। ऐसे में अगर चाहे कंपनी तो इस पर आवागमन शुरू करवा करके एक तरफ में बैरिकेड करके एक एक साइड से काम बीच में करा सकती है, क्योंकि अगर दोनों पुल अगर चालू हो जाएगा, दोनों पुल अगर चालू हो जाएगा तो एक तरफ बैरिकेड भी कर देंगे एक लेन को तो आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि दूसरा लेन से दूसरे साइड का यात्रा हो रहा है। ऐसे में चाहे तो इसको चालू कराया जा सकता है। देखिए इस पर डिसीजन प्रशासन को लेना है, डिसीजन निर्माण कंपनी को लेना है, लेकिन मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बताया है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगा हम लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे और हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो ये है कि ये पुल, शानदार ब्रिज बनकर के तैयार है, पूरी लाइटिंग हो गई है, यहाँ से वहाँ देख लीजिए लाइटिंग आपको दिखा दे, देखिए लाइट लग गया है इसके ऊपर में, कलरिंग हो रहा है, पिचिंग हो गया है शानदार, डिवाइडर को फिल कर लिया गया है, पहले जो बचा हुआ था काम बचा हुआ था आपको दिखा दें कि इस तरह जो जो आप यहाँ देख रहे तस्वीरों में, ये जो फिलिंग है, गैप है, दो पिलरों के बीच में गैप है, ये 46 नंबर पाया है चाचा। ये चाचा कितना नंबर पाया है? 46 ना, ये 46 नंबर है ना, देखिए ये 46 नंबर पाया है। और इस पर जो ये गैप है, ये जो गैप देख रहे हैं इसको फिल अभी दो तीन दिन पहले किया गया है, इस फिलिंग को बाकी था करना, बाकी तो ढलाई लगभग पिछले महीने हो गया था, इस फिलिंग को बनाना, इसको जमने देना, इतना का काम बचा था, लगभग देखिए हर जगह कंप्लीट कर लिया गया और इस पर कोई असर नहीं हो, इसके लिए जो गाड़ियां भारी वाहन जाएगी तो इस पर होते हुए जाएगी, ये जो बनाया गया है तो कंप्लीट हो गया सारा काम, आपको बता दें कि कंप्लीट हो गया है। अब जो है डिसीजन गवर्नमेंट को लेना है, डिसीजन इस कंपनी को लेना है कि इस पर आवागमन कब शुरू कराया जा सकता है। इसी तरह के और अपडेट्स के लिए आप चाहें तो YouTube पर हमारे साथ बने रह सकते हैं, वहीं अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो वहाँ भी अपना प्यार हमें दे सकते हैं उस पेज को लाइक करके, धन्यवाद। देखिए गांधी सेतु से कैसा दिखता है गायघाट और आपका मरीन ड्राइव का काम होते हुए, वो आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, शानदार ब्रिज बना है। इसके बगल में देखिए कि किस तरह से जो नीचे सिर्फ छोटा छोटा जो नाव चल रहा है वो भी दिख रहा है एकदम टीनी टीनी सा, इस ऊंचाई पर नीचे देखिए मछुआरे मछली मार करके किनारे जो है अपने जाल से मछली को निकाल रहे हैं, कितना छोटा छोटा दिख रहा है आदमी। और शानदार ब्रिज गंगा नदी के ऊपर,
गंगा की जो धारा है वो अविरल बहते हुए दिखाई दे रही है।